तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेयर। तो अगर आप यहाँ पे रेडमी नोट 9 सीरीज़ के यूज़र हैं तो आप सभी के लिए यहाँ पे बैड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा, रेडमी नोट 9 सीरीज़ MIUI 14 अपडेट स्टेटस और MIUI 15 अपडेट स्टेटस। तो यहाँ पे रेडमी नोट 9 प्रो सीरीज़ में MIUI 14 स्टेबल अपडेट्स ऑलरेडी रिलीज़ हो चुके हैं। अब बस यहाँ पे रेडमी नोट 9 ही बचता है जिसमें MIUI 14 स्टेबल अपडेट रिलीज़ नहीं हुआ है। तो रेडमी नोट 9 में भी MIUI 14 आपको क्वार्टर 3 में देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आखिर बैड न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पे Xiaomi ने अपनी EOS लिस्ट को अपडेटेड कर दिया है और उसने इस बार यहाँ पे Redmi Note 9 सीरीज़ को भी इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे विच डिवाइसेस एडेड टुडे इन EOS लिस्ट, तो यहाँ पे Redmi Note 9 सीरीज़ को सक्सेसफुली ऐड अप कर दिया है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, आप इस वाले स्क्रीन शॉट में ध्यान से देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे Redmi Note 9 Pro देखने के लिए मिल जाएगा। और इसकी रिलीज डेट यहाँ पे 2020 में थी और इसकी सिक्योरिटी अपडेट्स EOL 2023 में हो चुके हैं। तो ये वाला जो है ये आपका यहाँ पे मई के महीने में इस वाली लिस्ट को EOS कर दिया गया है जो कि एक ऑफिशियल है। तो मैं आपको एक बार दोबारा से यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं Redmi Note 9 Pro और इसके अपडेटेड Android वर्जन्स Android 11 और Android 12 हैं। तो यहाँ पे Redmi Note 9 Pro सीरीज़ को इन्होंने EOS कर दिया है। इस वाली वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप खुद भी जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे Redmi Note 9 सीरीज़ भी फाइनली EOS हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे Redmi Note 9 Pro, Note 9 Pro Max और Redmi Note 9 Pro Global, Redmi Note 9S Global, Redmi Note 9 Pro Max और इसी के साथ Poco M2 Pro, यही डिवाइसेस यहाँ पे EOS हुए हैं। लेकिन अभी भी Redmi Note 9 को एंड ऑफ सपोर्ट में नहीं डाला गया है क्योंकि इस वाले डिवाइस में अभी भी MIUI 14 आना बाकी है। तो MIUI 14 के अपडेट आते ही Redmi Note 9 को भी ऑफिशियली EOS कर दिया जाएगा। तो अगर आप Redmi Note 9 सीरीज़ के यूज़र हैं तो आपके लिए बैड न्यूज़ है, आपके लिए MIUI 14 के अपडेट्स लास्ट होने वाले हैं, MIUI 15 आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलने वाला। तो यही थी आज की पूरी इन्फॉर्मेशन Redmi Note 9 सीरीज़ के नेक्स्ट अपडेट से रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।